देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। ओम प्रकाश जाटव को आखिरकार न्यायालय से न्याय तो मिला, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। ओम प्रकाश के मुताबिक उसे जान से मारने की नीयत से आरोपी तरुण जैन गुना से ले गया था, वहीं उस पर गोली भी चलाई, लेकिन ओम प्रकाश की किस्मत अच्छी रही, गोली हाथ पर लगी, कहीं और लग जाती तो अनहोनी हो जाती और आज शायद इस दुनिया में नहीं होता। वहीं अपने प्रभाव का परचम लहराकर तरुण जैन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं ओम प्रकाश पुलिस अधीक्षक के पास गुहार लगाने भी पहुंचा, क्योंकि लगातार आरोपी तरुण जैन ओम प्रकाश को लगातार राजीनामा करने के लिए दबाव बना रहा है। मेरे इसमें गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है, तो मैं इसको आवेदन देने के लिए आया हूँ सर के पास। किसकी गिरफ्तारी? तरुण जैन। क्या मामला था ये? मेरा गोली का है मामला सर, इसमें अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसमें 3 साल से 3.5 साल से मेरा न्यायालय में केस भी चल रहा है। 1.5 महीना पहले मेरा गिरफ्तारी का उसका कोर्ट से वारंट भी निकल चुका है, मगर इसके बावजूद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर रही है? ये सर मुझे पता नहीं है क्यों नहीं गिरफ्तारी कर पा रही है, शायद उसमें उसका पावर है क्या है अभी ये। वहीं न्यायालय से तरुण जैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकल जाने के बाद भी पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही है। अब इसे मित्रता कहें या तरुण जैन के प्रभाव का असर, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि तरुण जैन अपने मोबाइल फोन से लोगों को कॉल कर रहा है, वहीं फेसबुक पर भी लगातार अपनी पोस्ट डाल रहा है। यदि साइबर सेल की मदद ली जाए तो आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को मिनट ही लगेंगे। आपको बता दें कि तरुण जैन सोनाली केबल के नाम से अपनी निजी केबल संचालित कर रहा है, वहीं सिटी न्यूज चैनल के नाम लोकल समाचार प्रसारित कर रहा है। इसके साथ ही तरुण जैन लगातार अपनी खबरों को व्हाट्सएप, फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक प्रसारित भी कर रहा है। इसके बावजूद भी पुलिस उसे पकड़ने में नाकामयाब रही है। सूत्र बताते हैं कि तरुण जैन लगातार हनुमान कॉलोनी स्थित अपने घर पर आ जा रहा है, जिसको अगर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में खंगाले जाएं तो सब देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस इसको पकड़ना नहीं चाहती या फिर उसे अग्रिम जमानत लेने के लिए समय देना चाहती है। मामला था 307 और हरिजन एक्ट का, इसके संबंध में तरुण जैन के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट माननीय न्यायालय से प्राप्त हुआ है। अभी लगातार हम तलाश कर रहे हैं, जैसे ही मिलेगा तत्काल उसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। मुखौटा कला मंच के द्वारा किया जाएगा नाटक का मंचन। मुखौटा कला मंच की नई कार्यकारिणी द्वारा 60 बच्चों का सिलेक्शन किया गया है, जिन्हें नाट्य संबंधी प्रशिक्षण दिए गया एवं उन्हीं के द्वारा बहुचर्चित नाटक का आज प्रदर्शन किया जाएगा। इस हेतु आयोजकों ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि किस तरह से युवाओं को नए अवसर दिए जा सकते हैं। वहीं कई वर्षों से सुप्तावस्था में रहने के बाद मुखौटा कला के क्षेत्र में आया है तो यकीनन कुछ नया ही लेकर आया होगा। आयोजकों ने बताया कि एक कलाकार के लिए मंच से अच्छा और श्रेष्ठ रास्ता कोई नहीं होता। नेट के युग में रंगमंच को मैं व्यक्तिगत तौर पे वहाँ देखता हूँ कि आज जो नेट और टीवी से आदमी उकता गया है, वो घर से बाहर निकलना चाहता है, पर ऐसा माध्यम होना चाहिए, इतना स्ट्रांग माध्यम होना चाहिए, इतना अच्छा माध्यम होना चाहिए, घर से आदमी बाहर निकले और एक परिवार, पूरे अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन, बच्चों के साथ किसी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बैठ के एक सांस्कृतिक आयोजन का आनंद ले, रस ले, तो वो नाटक वो जगह है। पर इसमें नाटक वालों को भी सोचना पड़ेगा कि नाटक किस तरह के हों, केवल मनोरंजक ना हो, केवल किसी किसी एक विचारधारा के ना हो, एक मनोरंजन के साथ वैचारिक बात हो। और जो जो दुनिया में तमाम चीज़ें चल रही, क्योंकि नाटक विचार का माध्यम है, प्रदर्शन के साथ साथ जो विचार हैं, जो समाज में जो समस्याएं हैं, जो देश में, समाज में, दुनिया में, उनके ऊपर भी उन विचारों के साथ नाटक होना चाहिए। फिर नाटक की जो कलाकार है, नाटक चूँकि नाटक में बहुत सारे हमारे साथी मुंबई में हैं, किसी एक का नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, बहुत सारे हमारे कलाकार हैं, पर नाटक उस मुकाम पे, जिस मुकाम की आप बात कर रहे हैं, मैं उस मुकाम पे का नहीं कह सकता। रघुवीर यादव जो है हमारे जबलपुर से हैं, उन वो एक नाम मैं ले सकता हूँ जिनसे परिचय है, जिनको हमने काम करते देखा, और मैसी साहब, उनकी एक फिल्म आई थी जिसको जो एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था,
तो वो एक नाम मैं ले सकता हूँ, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अच्छा, न्यू जनरेशन के आजकल अभाव रहता है समय का, तो नाटक देखने की क्या उपयोगिता रहती है आज इस अभाव में, उनको कैसे कल्चर मतलब मोबाइल से एक देश के प्रति या कोई सीख ले। नाटक तीन काम करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण काम करता है यदि हमारा बच्चा, हम सब लगभग एक उम्र के हैं, यदि हम बच्चे को मंच पे एक घंटे के लिए हम मंच बच्चे को खड़ा कर दें, तो वो जो क्या कहते हैं उसके अंदर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, जो उसके अंदर एक बेखौफपन होगा जो पैदा होगा कि जब वो कभी प्रिंसिपल के सामने जाए या दुनिया में इंटरव्यू देने जाए या कहीं जाए, तो वो एक कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे लोग 25,000 की रुपए लेते हैं और बच्चों को कुछ नहीं सिखाते, पर एक बच्चा यदि नाटक कर ले तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, दावा नहीं कर रहा हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 100 में से 80-85% बच्चों का व्यक्तित्व विकास हो जाएगा। वो दूसरे का सहयोग करने की भावना सीखेंगे नाटक में, कला संस्कृति की बात सीखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो बोलने की, उनके अंदर एक बोलने की ताकत आएगी। ये तो कुछ लोग मिलके जो अच्छे डायरेक्टर हैं, इसका कारण है ये भी है कि MPSG मध्य स्कूल ऑफ ड्रामा से मधुर जैन पास हो गया है, उनने अपनी संस्था खोली, और भी भरत प्रजापति पास हो गया है, उनने अपनी संस्था खोली, विष्णु पहले से ही डायरेक्टर के क्षेत्र में है, तो विष्णु पहले से डायरेक्टर के डायरेक्शन के क्षेत्र में है, तो जितने जितने जो होंगे अब विष्णु मधुर ने जो कल नाटक किया दरारे, उसमें गुना के नई प्रतिभाएं देखने मिली हम लोगों को, तो हमें बहुत खुशी हुई हमें इस बात को लेकर। नहीं तो एकदम से गायब हो गए सब, फिर दोबारा से वापस से मैंने आपको बताया ना कि इसमें MPSG से ग्रेजुएट होकर मधुर आए, तो उसके बाद से आया उसके बाद से बूम आया ऐसा, उन्हें मधुर जैन आया, विष्णु पहले से ही कर रहा था इसमें। अच्छा, दूसरा एक हमारी जो संस्था जो नाटक के लिए एक बहुत अच्छी जगह होती थी गुना में टाउन हॉल, जिसको खत्म कर दिया गया है ये बता के कि वो टूट रहा है, जबकि अभी तक वो टूट नहीं पाया था, तो उसके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं प्रयास? हम कारखाने में तूती काम बोलती है भैया, अब जो नेता जो डिसीजन ले लें उसको उसके उसकी खिलाफत तो करनी चाहिए सबको मिलकर। तो नेता आपसे, आप नेता से थोड़ी हो, आप तो जनता हो। नहीं, हमने ये अपने वहाँ पर उसमें ये बात अपनी भाषण में रखी थी, कुछ लोगों ने बात रखी थी, हम उसका समर्थन करते हैं कि वहाँ टाउन हॉल ही बनना चाहिए था, दुकानें नहीं बनी। रात भर चली बिजली की आंख में चोली, जिसके चलते मोहल्ले वाले हुए परेशान। आपको बता दें कि भारत कॉलोनी स्थित एक DP में तेल निकल रहा है, जिसके चलते वह फूट गई है। वहीं पूरे मोहल्ले वासी इसके चलते रात भर से ही परेशान हो रहे हैं। हालांकि विद्युत कर्मियों ने SDP को 3 बार सुधारा है, लेकिन उसके बावजूद भी कल रात 12 बजे से जो बिजली की किल्लत थी वह भी शाम को 6 बजे तक देखने को मिली। इसके साथ ही मोहल्ले वासियों ने सुबह पानी के लिए भी परेशान होते रहे। इस समय गर्मी अपने चरम पर है, उसके चलते भी बिजली की किल्लत से लोग बेहाल हैं। हालांकि विद्युत विभाग अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहा है, लेकिन न जाने क्यों बार बार ये DP खराब हो जाती है। वहीं मोहल्ले वासियों को यहाँ किसी अनहोनी का भी डर बना हुआ है, क्योंकि लगातार DP से तेल का रिसाव हो रहा है, जिससे कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अभी विगत दिनों जस्टम चौराहे पर एक DP में आग लग गई थी, जिसके चलते लाखों का नुकसान हुआ था। चाचा DP मतलब खुद जंपर काटे हो, जब ले जंपर काटे, जब जंपर काटे सर। 11 बजे से BP फूकी थी, इसमें से एक महीने से तेल टपक रहा था, कंप्लेंट कर करके परेशान है MPB को। सुबह से चौथी DP है, 3 DP फूक चुकी है, वो तो भगवान परमात्मा की कृपा की कोई जनहानी नहीं हो रही। रहसी मकान है, सब मकान लगे हुए हैं, बार बार शिकायत करने के बाद वो आते हैं ठीक करके फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं। तो अभी जो रात भर लाइट नहीं रही, उसके बाद में सुबह ने DP रखी है, तो DP रखने के बाद फिर फूट गया। 4 बार फूटी है ना, तीस चौथी बार फूटी है। अच्छा, लगातार 4 बार फूट चुकी है। पानी की किल्लत है, सुबह से नलों में पानी नहीं आया, पूरे कॉलोनी के बासिंदे परेशान हैं।
अच्छा, और हम भी कई बार शिकायत कर चुके, अभी कोई मतलब रखने के बाद कितनी देर लाइट आती है। एमपीवी का एक भी जूनियर इंजीनियर जो नहीं, केवल कर्मचारी आते हैं बेचारे, वो अपने करके अपनी समस्या चले जाते हैं। और डीपी रखने के बाद कितनी देर चलती है लाइट? मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट फिर फूट जाती है। रात के 12:30 बजे से लेकर रात के सुबह के 5 बजे 3-4 डीपी रख चुकी, सारी फूट जाती है। अच्छा। मेरे मकान को कुछ हादसा हो जाए इसका जवाबदार कौन रहेगा? अभी आप लोग बिल्कुल लाइट नहीं है इधर पे? नहीं, मैं देखो हादसे भर रही हूँ, परेशान हो रहे हैं आप लोग, है ना? तो पानी आनी फिर कैसे भर रहे हैं आप लोग? टैंकर आता है सुबह से, टैंकर भी नहीं आया। मतलब करीबन रात से अभी तक लाइट नहीं है? नहीं, 12:30 बजे से लेकर। ठीक है, ठीक। दो बार बदली गई है डीपी मैनमेल सिंह लोड हो रहा है द्वारा, है डीपी बदला जा रहा है, अभी चेक करके कार्रवाई की। मोहल्ले वालों कहना है 4 3 हो चुकी है, रात में 3:30 बजे ट्रांसफार्मर गड़बड़ हुआ, फिर भी आस्था करेंट के द्वारा ट्रांसफार्मर बदलवा दिया गया। 5 बजे रात्रि में ही ट्रांसफार्मर बदलाया गया, फिर भी उसके बाद भी दिक्कत आई है, जिसकी जाँच कर तो सर सुधार किया जा रहा है। अगर तेल निकल रहा है कोई जनहानि हो जाए सर? नहीं, जनहानि कोई जनहानि नहीं होगी, क्योंकि हमारा स्टाफ यहाँ पर मौके पर मौजूद रहता है और तुरंत ही जैसे ही सूचना मिलती है पूरा बिजली अमला अधिकारी सहित मौजूद हो जाते हैं। सर बताएं, ये डीपी छोटी लगाई है या बड़ी लगाई है? 200 का ट्रांसफार्मर था, 315 KVA का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया, कैपेसिटी भी बढ़ा दी गई है। तो इसके बाद भी लोड नहीं ले रही सर? दिखवाते वो लिखवा रहे हैं, उसकी तकनीकी विभाग से इसकी जांच करवा कर कार्रवाई करेंगे। दिनांक 30 मई और 31 मई को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मचारियों द्वारा सम्मानजनक वेतन समझौता न होने के कारण हड़ताल का आह्वान किया है। इसी संदर्भ में आज भारतीय स्टेट बैंक एवं शासकीय व्यवसायिक शाखा पुना के समस्त बैंक एवं अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा वेतन समझौता न किए जाने के कारण विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में समस्त बैंकों के द्वारा शासन के बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध नीतियों की निंदा की गई एवं कार्य की अधिकता एवं कम वेतन भुगतान आदि के विषयों पर भी कर्मचारियों ने विरोध प्रकट किया। हम ना बैंक खोलेंगे, बैंक में उल्लू ढोलेंगे, हम ना बैंक खोलेंगे, बैंक में उल्लू ढोलेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। वित्त मंत्री की धनाधारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बैंक एम्प्लॉयज जिंदाबाद, बैंक एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई बस हमारा 11वां वेतनमान समझौता 2 नवंबर 2017 में लागू होना था, आज दिनांक तक पेंडिंग है, वो उसके विरोध में हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल पे हैं। बैंक का सारी बैंक है गुना जिले की, पूरे इंडिया में हड़ताल है, पूरे 31 मई। बैंक बंद होने से कितना प्रभाव पड़ेगा? तकरीबन गुना जिले में 200 करोड़ के आसपास का प्रभाव पड़ेगा। वन कर्मचारी संघ द्वारा 24 मई से चली आ रही अनिश्चितकालीन हड़ताल में आज एक नया मोड़ देखने को मिला। यहां प्रदर्शन स्थल पर वन कर्मचारियों द्वारा मुंडन करवाया गया। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वह अपने प्रदर्शन को उग्र रूप देने को मजबूर होंगे। हड़ताल जैसा कदम उठाने का कोई शौक नहीं होता। भाई देखो, हमारे सारी कर्मचारी शादी हो गए, आज केस दान हो रहे हैं इस बात के लिए। जायज मांगे हैं उनके निराकरण के लिए सरकार से अनेक बार वार्ताएं हुई, सरकार ने स्वीकार भी किया। जो न्याय होना चाहिए था तो किसी कारणवश नहीं हो पाया और हम शीघ्र ही कमेटी बना। चौबीस मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। वन विभाग की वेतन संगति और सेवा सप्ताह में संशोधन की मांग को लेकर हम हड़ताल पर गए हुए हैं। शासन समिति ने 5-4 मई को लेकर इतना आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर सारी मांगों को सब निराकरण करके आदेश जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल भी कैबिनेट बैठक में ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ जिससे वन विभाग के किसी कर्मचारी को राहत मिली हो, इसलिए आज से हमने अपने आंदोलन को दूर करते हुए आज से केस मंडल और केस दान का कार्यक्रम शुरू किया है, जो आगे और क्रमिक रूप से और अन्य कार्यक्रमों में तब्दील होगा।
और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा आंदोलन उभरता जाएगा। आज आंदोलन किस रूप से आपने सरकार को विरोध किया है? आज हमारे 5 साथी कर्मचारियों द्वारा अपने केस दान किए जा रहे हैं शिवराज सिंह की, जो है अब शांति के लिए आगे मांगे नहीं मानी जाती वैसे तो क्या होगा? और आंदोलन हम उग्र रूप करेंगे और भी इसमें नए नए आयाम जोड़ेंगे। अपना आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया था मध्य प्रदेश स्तर से, जिसमें है ना पहला स्टार्टिंग कार्यक्रम 17/2/2018 को भोपाल में धरना आंदोलन कर मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया था। उसके बाद द्वितीय चरण में 13/3/2018 को जिला स्तर पर रैली निकाल कर कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। तीसरे चरण में 29/4/2018 को भोपाल में रैली धरना आंदोलन कर मुख्यमंत्री जी को तीसरा ज्ञापन दिया गया। चौथे चरण में बस्ते और बंदूकें जमा की गई। इसके बाद पांचवें चरण में हमारा आंदोलन 5/5/2018 से प्रारंभ होना था, किंतु शासन ने हमको लॉलीपॉप देकर झूठे वादे कर हमारे आंदोलन को स्थगित कराया गया, जिसमें मुख्यमंत्री वन मंत्री की अध्यक्षता में एक है ना कमेटी शासन की ओर से कमेटी गठित कर, जिसमें मुख्य सचिव भी थे इनकी है ना कमेटी गठित कर उससे है ना समझौता हुआ, जिसमें 15 दिन में हमारी है ना मांगे मानने के लिए आश्वासन दिया गया। उस आश्वासन के आधार पर 15 दिन के लिए आंदोलन टाला गया। फिर भी सरकार ने हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि 3 महीने पहले से हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो गई थी। 3 महीने में भी सरकार ने हमारी मांगों के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। फिर अंत में 21 तारीख से हमारा आंदोलन होना थी, लेकिन किसी कारणवश वो आंदोलन ना होकर 24 तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन जो किया जा रहा है, जिसमें भी सरकार ने हमको 29 तारीख को जो होने वाली कैबिनेट में हमारी समस्या रखने के लिए आश्वासन दिया गया था, फिर भी उन्होंने हमारी समस्याएं नहीं मानी गई और न कैबिनेट में रखी गई। इसलिए जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, जब तक हमारा हड़ताल अनिश्चितकालीन रहेगा, चाहे जो भी स्थिति हो, जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, हम है ना टेंट के नीचे बैठे रहेंगे। आज कांग्रेस विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने की प्रेस वार्ता। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी शासन में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करना था। श्री सिसोदिया ने बताया कि गेहूं घोटाले बाजों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गेहूं घोटाला बमोरी के मार्ग के महू में हुआ था। यहाँ किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से करीब 7,000 क्विंटल से ज्यादा गेहूं बेच दिया गया, जिसमें भाजपा से जुड़े कुछ लोगों के नाम सामने आए थे। इसके बाद एक जांच कमेटी गठित की गई, जिसमें नायब तहसीलदार कल्याण सिंह, खाद्य अधिकारी आशीष चतुर्वेदी सहित पटवारी को शामिल किया गया था। जांच में घोटाला उजागर हुआ, जिसकी रिपोर्ट भी तैयार की गई, किंतु घोटाले की रिपोर्ट खाद्य विभाग में राजनीतिक दबाव के चलते दबा दी गई। जांच प्रतिवेदन के अनुसार शासकीय सेवा सहकारी समिति मार्ग महू पर कुल 245 पंजीकृत किसान हैं, जिनमें से 120 किसानों ने 7,359 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचा। इस प्रतिवेदन के अनुसार सेवा सहकारी समिति मार्ग महू के संचालक के पुत्र के नाम कोई भी जमीन नहीं है, फिर भी उसके नाम पर 312 क्विंटल गेहूं बेच दिया गया। इसी तरह और भी कई आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने आंदोलन कहला और उसको गंवाने का पूरा प्रयास किया, और इससे ज़्यादा विडम्बना और क्या होगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है आरएसएस का किसान संघ, वो सरकार से असंतुष्ट होकर आंदोलन की राह पे आ रहा है, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। और आपको याद होगा कि कक्का जी ने एक बार भोपाल में आंदोलन किया था, जब पूरा भोपाल ट्रैक्टर ट्रॉलियों से घिर गया था, और 17 मांगे उनकी थी। इस बिंदु पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विधानसभा में बोला कि आपने 17 बिंदु स्वीकार किए थे, 17 में से एक भी कार्य आज तक पूरा नहीं हुआ। ये कांग्रेस की मांग नहीं थी, ये तो आपके आरएसएस की मांग थी, वही आपने पूरी नहीं की, और यही कारण था कि मंदसौर का गोलीकांड हुआ, क्योंकि आप यूनियन से हाथ मिला लेते हो और मिला के उनको प्रलोभन दे के और उसके बाद उनकी पूरी उनको पूरा काम नहीं करते, तो आंदोलन तो करना पड़ेगा। बल्कि हमारा तो कहना है कि किसान संघ बहुत पीछे हो गया, कि तुलाई में जो किसानों का दोहन हुआ है उस समय किसान संघ को आगे आना चाहिए। हम तो हमेशा मंडी गए, यहाँ तक कि हमारे माननीय सांसद सिंधिया जी वो भी कल आ रहे हैं, वो भी मंडी का निरीक्षण करेंगे। पानी की व्यवस्था नहीं की गई, टेंट तंबू की व्यवस्था नहीं की गई, और अब कुछ नेता जो है वो आगे शरबत दिला रहे हैं जब पूरा काम निपट गया।
हमारे टैंकर खड़े हैं, सांसद जी के टैंकर खड़े हैं, मगर प्रशासन की तरफ से कोई सुनता नहीं। वैसा नहीं है कि कांग्रेस आंदोलन नहीं कर रही, हमेशा आंदोलन कर रही है। आप लोगों ने देखिए कुपोषण के लिए इसकी शुरुआत हमारे माननीय सांसद श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने श्योपुर से की, और श्योपुर में जब वो गए हॉस्पिटल में उन्होंने देखा कि बच्चों की क्या हालत हो रही है, तो इस मुद्दे को उन्होंने ऊपर स्तर को उठाया। और हमारी आदरणीय मेनका जी जो इसकी मंत्री है महिला बाल विकास की, उनसे उन्होंने भेंट की, और मेनका जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री को कड़े शब्दों में लिखा कि ये कुपोषण की खत्म होना चाहिए, मगर सरकार ने उस पर कोई पहल नहीं की। और आज हमारा गुना जिला, नीति आयोग ने इसको बैकवर्ड माना है। आज हमारा गुना जिला अगर बैकवर्ड है तो मात्र कुपोषण के कारण है जो 14 वर्षों में हुआ है। हम फिटनेस चैलेंज की बातें करते हैं लेकिन कुपोषण पे चैलेंज की बात ही नहीं करते। हाँ, सबने की है, हमारी भोपाल की पूरी टीम ने की, आदरणीय सांसद जी ने स्वयं इस पर की है, और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने भी हर पत्रकार वार्ता में कुपोषण का नाम लिया है, मगर मध्य प्रदेश सरकार सुनने ही नहीं चाहती। ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक ये चहेते लोग हैं, मार्किंगों और सुरसी क्षेत्र ऐसा है जहां पे अगर जांच कराई जाए तो आदिवासियों की जमीनों पे सैकड़ों बीघा जमीन पे वहां के जो धन्ना सेठ लोग हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है, और उसी का एक प्रकरण मैंने अपने प्रेस में आपके अवलोकन के लिए भी रखा है कि किस तरीके से जूबी सहरिया जो मार्की मऊ का है उसकी जमीन, उसके पास खसरा किताब सब कुछ है, मगर जब कंप्यूटर खोलते हैं तो उस जमीन पे जगदीश चंद्रवाल नाम के व्यक्ति का नाम उजागर होता है। ये वही टीम है जो गेहूं घोटाले से लेकर हर तरीके घोटाले में पूरी तरह से लिप्त है। मैं आप सबके माध्यम से कलेक्टर महोदय से अपील करता हूं कि अविलंब प्रकरण में FIR दर्ज करी जाए, और FIR के साथ साथ जमीन के जो मामले हैं आदिवासियों के, जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हमारी पार्टी आदिवासियों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, और उनके शासनकाल में किस तरीके से गरीब आदिवासियों को कुचला जा रहा है, ये इन सब बातों से उजागर होता है। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि अविलंब इस पर FIR दर्ज कराई जाए, और 5-6 तारीख के आसपास अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं भोपाल जाकर और माननीय राज्यपाल महोदय से और लोकायुक्त महोदय से भी मैं मिलने का प्रयास करूंगा, और माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलने का प्रयास करूंगा। दूसरा मुद्दा हमारे चना खरीदी का है। आज भी आपने पढ़ा होगा कि उपासना ट्रेडर नाम की एक कंपनी जो फर्जी रूप से चना बेच रही थी, उसको उस ट्रॉली को जब्त किया गया और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। 50 साल के इतिहास में जो किसानों की दुर्गति इस सरकार में हुई है, ऐसी दुर्गति मध्य प्रदेश में कभी देखने को नहीं मिली। मैं मांग करता हूं प्रशासन से कि चना खरीदी में भी समर्थन मूल्य पर, जिसमें लाखों करोड़ों रुपया किसानों का खाया गया है, उसकी भी जांच उच्च स्तरीय होना चाहिए और उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार 7 साल 4 महीने के बाद अजय अवस्थी को मिला न्याय। बता दें कि 28 जनवरी 2011 को कुशवा चौकी के पास अजय अवस्थी को कुछ लोगों ने मिलकर धारदार हथियारों से मारा था और उसे मरणासन्न अवस्था में छोड़कर भाग गए थे, जिसके बाद अजय अवस्थी उर्फ कल्लू अवस्थी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट गोपाल अवस्थी ने सिटी कोतवाली में जाकर दर्ज कराई थी, जिसमें अनिल जैन, सुनील गोस्वामी, सुनील जैन, राजेंद्र लोधा, रामकृष्ण लोधा, चंदू ठेकेदार, प्रबल लोधा के साथ साथ अन्य लोग भी थे।
जिन पर मामला दर्ज कराने की बात की गई थी। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में सुनील जैन, अनिल जैन, जैन भोजनालय गुना के परिवार के प्रभाव के चलते नाम हटा दिया गया, जिसके बाद 7 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर आखिरकार अजय अवस्थी को न्याय मिला। वहीं माननीय न्यायालय ने 7 जून को इन दोनों को न्यायालय में पेश होने की बात भी कही है। वहीं इन्हें आरोपी भी बनाया गया है। बता दें कि सुनील जैन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपना नाम FIR में से कटवा लिया था। वहीं आज अजय अवस्थी को न्यायालय पर भरोसा करना कारगर साबित हुआ। 11 मारपीट की करी गई अनिल जैन, जैन भोजनालय के मालिक में 28/1/2011 को, और इतनी मारपीट गई करी गई कि मेरे को है ना उसकी भी हालत में दूसरे लोग उठाते हैं, और उनने यानी 28 FIR में नाम होते हुए भी अपने पैसे का, सलाहकारों का और अपनी ताकत का उपयोग करके उनने 7 साल 4 महीने और बाद उन्हें कोर्ट ने अपना आरोपी बनाया और मेरे केस में हाजिर होने के लिए 7/6 लगाई है, 7/6/18। पहले पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी? पहले पुलिस ने FIR लिखी थी और SDOP से इनने ये शिकायत करी कि मोबाइल की लोकेशन 3 किलोमीटर दूर है, न्यायालय ने कोई पार्ट्स नहीं है शरीर का अंग, मोबाइल रख के भी तो अपराधी अपराध घटित कर सकता है, तो इनने है ना झूठे सच्चे और पैसे की ताकत पे इतने साल तक बचे रहे। अब इन्हें न्यायालय ने आरोपी बना दिया है और 7/6 को इनको इनके वकील को कहा गया कि इन्हें लेके आप हाजिर होंगे जिससे आप जमानत करें। और इनका जो कृत्य है, पहले भी इनके साथ एक सावित्री अग्रवाल थी, और भी कई अपराध हैं, इनकी होटलों में वैश्यावृत्ति होती है, ये क्या है कि पैसे की ताकत पर छूट जाते हैं। उचित मूल्य की दुकानों से लौट रहे उपभोक्ता, कागजों में दब गई सरकारी सुविधा। 3 महीने से चक्कर लगा रहे हैं उचित मूल्य की दुकानों के गांव वाले। आरोन तहसील के ग्राम भादौर के सैकड़ों किसानों और ग्रामीणों को 3 माह से राशन नहीं मिला है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उचित मूल्य की दुकान पर उनका राशन आता है और सेल्समैन लल्लू साहू से ब्लैक में बेच रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस संदर्भ में कुछ दिन पहले कलेक्टर ऑफिस में भी आवेदन दिया गया है। गाँव वालों ने एक पंचनामा बनाकर SDM महोदय को भी दिया, लेकिन अब तक ग्रामीणों को राशन दिलाने की कोई कोशिश नहीं की गई। वहीं उचित मूल्य की दुकान के अंडर में 7 गांव आते हैं। 7ों गांव के ग्रामवासियों ने बताया कि उन्हें 3 महीने से राशन पानी नहीं मिला है एवं वह दर दर के ठुकरे खा रहे हैं। उचित मूल्य की दुकान के चक्कर लगा रहे गांव वालों ने बताया कि उचित मूल्य की दुकान का संचालक अपनी दादागिरी एवं खौफ से सारा माल ब्लैक में बेच रहा है और हम लोगों से कहता है कि आप लोगों को जो देखे वो कर लो, मेरी मर्जी से ही आपको राशन मिलेगा। ग्राम घटावदा वासियों ने बताया कि हमारे यहाँ भादौर की दूरी पर आने जाने में समय खर्च होता है, किसान अपनी मजदूरी नहीं कर पाते एवं उचित मूल्य की दुकान से खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब देखने को रह गया है कि क्या इन गरीब मजदूरों की सुनवाई होगी या नहीं, क्या इन गरीब ग्रामवासियों को राशन पानी मिलेगा या फिर सरकारी योजनाओं को ऐसे ही खुलेआम चूना लगाते रहेंगे सेल्समैन एवं अधिकारी गण। कहाँ रहते हैं आप लोग? घटावदा। आपको कब से नहीं मिला गेहूँ? 3 महीना से। कैरोसिन नहीं मिला? नहीं मिला। शक्कर नहीं मिला? नमक नहीं मिला? उचित मूल्य की दुकान कहाँ है तुम्हारी? सेल्समैन का नाम क्या है? लल्लू साहू। लेने जाती हो तो क्या बोलता है? आए नहीं है तेल और शक्कर। 4 महीने से नहीं है? 4 महीने से नहीं है। शिकायत करने की कहते हैं तो क्या कहता है? जाओ चले जाओ, कहाँ जा रहा है? शिकायत कर रहा है, दमंगई बताता है। हाँ। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मेरी रिपोर्ट पे। आपको कब से नहीं मिला राशन पानी? 3 महीने से। सेल्समैन का नाम क्या है? लल्लू। लल्लू लल्लू वो क्या कर रहा है आजकल, क्यों नहीं आ रहा है? देरी कर, पता नहीं साहब, खुला ही नहीं रही 2-3 महीने से। उचित मूल्य की दुकान कौन से गांव है आप? भादौर। 2-3 महीने से नहीं खुली? 3 महीना से तो आओ। अरे बाना 4 महीना से नहीं दे, बहुत देते ही नहीं, आधे दिन देते, आधे दिन आधे दिन देते, आधे दिन देते, का कह देते हो बड़ा जाते हैं तो पद खा रहा हो, बहुत घर ही बैठ बैठ सब नाच भाई भाई देता, बहुत बकरा कर रहा हो। तेल ले भी जाऊं, तेल 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 भी नहीं दिया, क्या खत्म हो जाता है तेल। आप लोगों का नाम क्या है, कहां रहते हैं? आपको राशन पानी कब से नहीं मिला? 4 महीने से। दुकान खुलती है कि नहीं खुलती भादौर में? सेल्समैन का नाम क्या है? लल्लू साहू। लल्लू साहू।
आप लोग कितने किलोमीटर दूर है भादौर यहाँ से, देरी से? 7 किलोमीटर जाते रीति भव्य आते हैं, आना और जाना हाथ लगता है बस। और धमकी भी देता है, राशन पानी 3 महीना क्या क्या नहीं मिला? गेहूँ नहीं मिले और तेल शक्कर तो हमने साथ देखे ही नहीं है। अच्छा, लल्लू साहू क्या कहता है, आप जाते हो तो आए नहीं है, जाओ तो तेल शक्कर है ही नहीं। और शिकायत करते हो तो जाके चले जाओ, कहाँ जा रहा है? और आप कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से भादौर? 7 किलोमीटर है, आना और जाना लगा रहता है। कोई हम तो फालतू रहता है, ऐसा मजदूरी छोड़ कर जाते हैं यहाँ से और वैसे भाग जाते हैं। बीपीएल कार्ड का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है सर। कब से नहीं मिलो तेल गेहूँ? 3 महीना हो गए। कछु नहीं मिलो? कछु नहीं मिलो, लौट वो रह जाते हाथ में, जाओ और आओ। और क्या? मेरा नाम है रविंद्र रघुवंशी। कहाँ रहते हैं आप? बड़ी में। आपकी कंट्रोल की दुकान कहाँ पर है? भादौर। भादौर कब से नहीं मिला आपको रसन? 2 महीने से नहीं मिला। क्या क्या नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, जो मिलता है चावल भी नहीं मिला, गेहूँ भी नहीं मिला, नमक भी नहीं मिला, तेल भी नहीं मिला। अच्छा, आप जाते हैं तो क्या खुली मिलती है? दुकान बंद ही है। अच्छा, आना और जाना लगा रहता है जी। बोलता है कल दे दूंगा, मिली ही नहीं है 2 महीने से। हारून से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। लुधियाना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।